नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। बेंगलुरु में जो बैठक हुई और इंडिया नाम करके जो इसका गठबंधन का पूरा नाम दिया गया, उसमें कई सारे यानी 26 विपक्षी दलों के नेता वहां पर मौजूद रहे। लेकिन जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी को छोड़कर ये जो गठबंधन तैयार किया गया, वो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल करता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल इस बात का जिक्र इसलिए भी हो रहा है क्योंकि हर कोई दल, जैसे कि महबूबा मुफ्ती हो और उसके बाद जो है ममता बनर्जी हो, तेजस्वी यादव हो, उसके बाद लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार जैसे बड़े दिग्गज नेता उस बैठक में शामिल हुए। हालांकि जिस तरीके से नीतीश कुमार वहां से हालांकि खटपट होकर नाराज होकर वो वापस भी आ गए, लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी को उसमें ना शामिल करना, मायावती को ना शामिल करना, यानी एक कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को नहीं जोड़ने की कोशिश की गई है। यानी साफ तौर पर इस बात का जिक्र हो रहा है कि जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी को उस बैठक से दरकिनार किया गया, इससे पहले भी जिस तरह से पटना में बैठक हुई, पटना में किस तरह से जो है ओवैसी को नहीं बुलाया गया, बसपा सुप्रीमो मायावती को नहीं बुलाया गया, तो वो कहीं ना कहीं लोग जो है दलित समाज के लोग भी काफी नाराज चल रहे हैं। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि किस तरह से जो है मुस्लिम और दलित को जो है एकजुट करने के लिए ये सब नहीं सोच रहे। लेकिन इस बात को लेकर बड़ा सवाल है कि जिस तरह से एनडीए के को तोड़ देने के लिए यानी शिकस्त देने के लिए 2024 के चुनाव को लेकर जो रणनीति तैयार किया जा रहा है, जो उसको मात देने के लिए जो विपक्षी एकता की बैठक हुई है और विपक्षी एकता एकजुट हो रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि आने वाले समय में और जो दो बड़े लोगों को शामिल न करना, यानी असदुद्दीन ओवैसी वो नेता है जो हर समाज को लेकर आवाज उठाते हुए नजर आते हैं, चाहे वो दलित शोषित वंचित और पिछड़ा वर्ग की लेकर बात हो। पटना में जिस तरह से वहां पर बैठक हुई उसमें न जाना, तो ये बड़ा संकेत है। वारिस पठान ने साफ तौर पर जो है इस बात को लेकर कहा है कि आप साथ आए ना आए, हम वो लोगों की लड़ाई लड़ते रहेंगे, लेकिन इसको लेकर जो है और दलों को चिढ़ होने लगी है। वारिस पठान ने आगे यह भी कहा कि अपने इंटरव्यू में कि एमआईएम को साथ ना लाना, क्योंकि जिस तरह से जो नीतीश कुमार उस बैठक में शामिल थे, महबूबा मुफ्ती शामिल थी, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ भी रही है, लेकिन अब तथाकथित सेकुलर पार्टी बन गई है। और उसके बाद जिस तरह से नीतीश कुमार पर यह आरोप लग रहे हैं, हालांकि तेजस्वी यादव को लेकर भी सवाल करते हुए नजर आए, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का जब जिक्र होता है, बिहार का जब जिक्र होता है, 2024 के चुनाव को लेकर जब जिक्र होता है, तो मुसलमानों को मुत्तहिद करने की बात असदुद्दीन ओवैसी करते हुए नजर आते हैं। असदुद्दीन ओवैसी का जिस तरह से विपक्षी दलों पर निशाना साधना कई सारे सवाल खड़े करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने इस बात को लेकर सवाल खड़ा किया है कि क्या हम अछूत हैं, क्या हम राजनीतिक तौर पर अछूत हो गए हैं, और इसको लेकर कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। इससे पहले जब पटना में बैठक हुई तो उस वक्त भी जो है समाजवादी पार्टी के नेता यानी सांसद एसटी हसन ने इस बात को लेकर कहा कि असदुद्दीन ओवैसी को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वो मुसलमानों को लीडरशिप को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं और वो हर बात को लेकर सवाल करते हुए नजर आते हैं। लेकिन मायावती को भी ना शामिल करना इस विपक्षी बैठक में, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा करता है। हालांकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बसपा सुप्रीमो मायावती ने साफ तौर पर कहा है कि राजस्थान और पंजाब और हरियाणा में वो अकेले चुनाव लड़ेंगे और छोटे दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से 2024 का जिक्र हो रहा है, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, हालांकि विपक्षी जो दल की बैठक हुई थी उसमें बीजेपी के तरफ से निशाना साधा गया था कि बिन दूल्हा का बारात निकाला जा रहा है, इसको लेकर बड़ा सवाल है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह से सवाल करते हुए नजर आते, उन्होंने साफ तौर पर राजस्थान का जिक्र किया है कि वो चुनाव लड़ेंगे, मध्य प्रदेश में किस तरह से निकाय चुनाव को लेकर उनको रिस्पॉन्स मिला, बिहार में सीमांचल का जब जिक्र होता है, सीमांचल में वो काफी मेहनत कर रहे हैं और ऐसी सीट पर उनकी निगाहें हैं जैसे कि दरभंगा सीट हो और उसके बाद पूर्णिया, अररिया और उसके बाद जो है कोचादामन, किशनगंज, ऐसी हॉट सीट कहा जाता है, और वहां से अख्तरुल ईमान जो है चुनाव लड़ने के लिए सांसद से वो तैयार है। लेकिन 2024 के चुनाव की रणनीति को लेकर हालांकि वारिस पठान ने इस बात को लेकर भी कहा है कि हम भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी आगे 2024 के चुनाव में ना दोहराएं, लेकिन हमें ना शामिल करना, क्या हम राजनीतिक तौर पर अछूत हैं, इसको लेकर उन्होंने सवाल खड़ा किया है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या 2024 के चुनाव को ये दोनों पार्टी अगर नहीं मिलते हैं तो क्या इसमें मात दे पाएंगे। लेकिन आजम खान को लेकर भी बड़ा जिक्र होता है, आजम खान को लेकर चर्चा होती है, राजस्थान का जिक्र होता है, हालांकि हम राजस्थान पर हम ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन जिस तरह से 2024 को लेकर चुनाव की रणनीति बनाया जा रहा है और असदुद्दीन ओवैसी को शामिल न करना, ये क्या संकेत दे रहा है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं, आपके कमेंट का स्वागत किया जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही, बाकी ताज़ातरीन खबरों के लिए देखते रहिए द इंडिया टीवी। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।